नमस्कार दोस्तों, देखिए ये है एलईडी ट्यूबलाइट। इसको रिपेयर कैसे करते हैं दोस्तों, आपको फटाफट दिखाते हैं। देखिए पहले इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए हमने इसको लाइट में लगा दिया है। और देखिए दोस्तों इसमें समस्या क्या है, देख रहे हैं ये हमारा जो ट्यूबलाइट है आधा देखिए जल रहा है, किनारे किनारे से दोस्तों जल रहा है, बीच में ये नहीं जल रहा है। तो इसको कैसे चेक करके हम रिपेयर कर सकते हैं फटाफट आपको दिखाते हैं। देखिए ये है मल्टीमीटर हमारा दोस्तों, तो मल्टीमीटर को क्या करना है दोस्तों, मल्टीमीटर का ये जो एयर वाला निशान है इसको लाना है, एम्पियर वाले जो देखिए यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं 200 वाले के रेंज में, ठीक है। अब दोस्तों हम ये मल्टीमीटर का जो ये प्रोब है इसको लगाएंगे एलईडी, सभी एलईडी के धीरे धीरे चेक करना है दोस्तों। देखिए तो आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। देखिए तो ये एलईडी के जो दोनों सिरे है दोस्तों, इसको शॉर्ट करके हमको चेक करना रहता है किसी तरीके से दोस्तों। आपको देखिए ये भी नहीं जला, ये भी नहीं जला, ये भी नहीं जला, इसी तरीके से फटाफट हमको चेक करना है। देखिए दोस्तों ये जो आखिरी वाला एलईडी है दोस्तों, ये इसको देखिए स्टार्ट करने से, देखिए इसे स्टार्ट करने से नहीं जल रहा है, पर इसको देखिए स्टार्ट करने से देखिए ये जलने लगा। यानी दोस्तों ये वाली एलईडी हमारी जो है ये ख़राब है, तो फटाफट इसको हम नया लगाएंगे। देखिए इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, पर इसके अच्छे लाइफ के लिए दोस्तों इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले एलईडी को हमको रिप्लेस करना है, तो फटाफट दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए इसको सोल्डर से हीट करेंगे। ये हमारा दोस्तों सोल्डर आयरन, और इस पर रखेंगे, इसको रख के तो थोड़ा सा हीट करना है फटाक से, और चिमटी की सहायता से इसको हमको निकालना है। और दोस्तों इसकी जगह पे जो देखिए हमारे पास जो एलईडी वगैरह से निकलता है, देखिए पीसीबी, ख़राब पीसीबी, तो इसी में से एलईडी हमको निकाल कर लगाना है, ठीक है, इसकी जगह पे। तो अभी तक ये हीट सही से नहीं हुआ है, थोड़ा इंतज़ार करेंगे हीट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसको लगाने का डायरेक्शन आप हमेशा देख कर ही लगाएं, जैसा कि देखिए, देखिए ये यहाँ पे देखिए हल्का सा कट बना हुआ है एलईडी में, देखेंगे चारों तरफ दोस्तों एक कोने भी देखेंगे हल्का सा कट बना रहता है, यहाँ पे देखिए कट बना हुआ है। तो इसका ये वाला सिरा दोस्तों है जो माइनस वाला है, तो सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में बत्ती एलईडी लगी हुई है दोस्तों, उसी डायरेक्शन में आपको लगाना है। देखिए यहाँ पे ये कट लगा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन आपको देखकर ही लगाना है। देखिए एक एलईडी हमने निकाल कर रखा हुआ है पहले से, और इस पर देखिए दोस्तों कट कहाँ बना है, यहाँ पर, यानी हमको इस दिशा में करके इसको लगाना है। तो इसको थोड़ा सा दबाए रखेंगे, देखिए दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, और ये एलईडी आ गई बाहर। और ये देखिए हम जो नई एलईडी निकाले हैं इसको यहाँ पे, इसको दोस्तों यहाँ पे रख देना है। थोड़ा सा अगर रंगा भी आप लगा सकते हैं, या फिर देखिए दोस्तों उसको हमने लगा दिया है, और देखिए चेक भी हो गया दोस्तों। अब इसको हमको इसको हटा लेंगे, अब इसको ठंडा करके दोस्तों बस पैक कर देना है,
और देखिए हमारा एलईडी जो है एकदम अच्छे से देखिए सब पूरा ग्लो करने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एलईडी और एलईडी ट्यूबलाइट जो होता है दोस्तों दोनों को रिपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एलईडी का भी आप मल्टीमीटर के प्रोब से चेक कर सकते हैं। और इसको देखिए आपको कहाँ रखना है, ये जो मल्टीमीटर का 200 एम वाला रेंज है दोस्तों एम्पियर वाले सेक्शन में, और प्रोब देखिए हमारा कहाँ लगा रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।